देखिए, श्री रेवन्ना का जो समाचार पत्रों में और चैनलों में चल रहा है वो बिल्कुल आघातजनक है। ऐसा सहन किया ही नहीं जा सकता। वैसे तो प्रज्वल रेवन्ना कर्नाटक में जाना माना चेहरा है। पीएम मोदी भी रेवन्ना के लिए वोट अपील करने पहुंचे थे, लेकिन अब अमित शाह रेवन्ना के बारे में ये क्या बोल रहे हैं? कौन है प्रज्वल रेवन्ना? रातों रात जिनके 2500 वीडियो वायरल हो गए, संख्या ज्यादा भी हो सकती है। ऐसे वीडियोस जिनको लेकर अब भाजपा भी गिर गई है और रेवन्ना भाग गए विदेश। कर्नाटक एमएमएस कांड की पूरी कहानी आपको बताएंगे, किसने क्या कहा उस पर भी बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले जरा जान लीजिए प्रज्वल रेवन्ना के पारिवारिक बैकग्राउंड के बारे में। नमस्कार, मेरा नाम है मेघना सचदेवा, आप मुझे देख रहे हैं लोकमत हिंदी पर। जेडीएस से सस्पेंड किए जा चुके प्रज्वल रेवन्ना पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवेगौड़ा के पोते हैं। साल 2018 में जब प्रज्वल विधानसभा चुनाव लड़ना चाहते थे, लेकिन जेडीएस से उन्हें टिकट नहीं मिला। प्रज्वल चाहते थे उनके दादा देवेगौड़ा 2019 के आम चुनाव में हासन से लोकसभा चुनाव लड़े, लेकिन एचडी देवेगौड़ा ने राजनीति में प्रज्वल की एंट्री करवाने के लिए परिवार के गढ़ हासन की सीट को छोड़ दी और तुमकुर से चुनाव लड़ा। उस वक्त भाषण देते हुए देवेगौड़ा भावुक भी हो गए थे। देवेगौड़ा ने कहा था, मैं हमेशा राजनीति में नहीं रह सकता हूं। प्रज्वल इंजीनियरिंग में ग्रेजुएट हैं और मैंने उन्हें सलाह दी थी कि वो ऑस्ट्रेलिया से एमटेक का कोर्स पूरा करें, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। अब मैं हासन की जनता से अनुमति लेकर प्रज्वल को कैंडिडेट घोषित कर रहा हूँ। आप प्रज्वल को प्यार, स्नेह और समर्थन दे। ये दादा का पोते के लिए प्यार था। अब देवेगौड़ा के विधायक बेटे एचडी रेवन्ना और हासन सीट से सांसद पोते प्रज्वल रेवन्ना पर गंभीर आरोप लग गए हैं। यौन शोषण के आरोप, सेक्स वीडियोस रिकॉर्ड करने के आरोप, धमकाने के आरोप, साजिश करने के आरोप। इस मामले को लेकर रेवन्ना को जांच पूरी होने तक पार्टी से सस्पेंड भी कर दिया गया है। गौर करने वाली बात तो यह है कि कथित अश्लील वीडियो सार्वजनिक होने के बाद 33 साल के रेवन्ना शनिवार सुबह ही जर्मनी भाग गए। रेवन्ना का दावा है कि उनके वीडियो से छेड़छाड़ की गई और उनकी छवि खराब करने के लिए इन वीडियोस को सर्कुलेट किया जा रहा है। प्रज्वल के विदेश जाने के सवाल पर पिता एचडी रेवन्ना का बयान भी सामने आया। उनका कहना है कि विदेश जाने का प्लान पहले से तय था, उसे नहीं पता था कि उसके खिलाफ एफआईआर होने वाली है। परिवार पहले इस मामले में प्रज्वल के वीडियोस के साथ छेड़छाड़ की बात कर रहा था, लेकिन अब जब मामला बढ़ा, वीडियोस सामने आए तो जेडीएस ने उन्हें सस्पेंड कर दिया है। रेवन्ना से जुड़ा ये पूरा मामला तब सामने आया जब रेवन्ना के घर पर काम करने वाली हाउस हेल्प की एफआईआर से बात खुली। महिला ने एचडी रेवन्ना और उनके बेटे प्रज्वल पर भी यौन शोषण का आरोप लगाया। बस फिर क्या था, एक एक कर रेवन्ना को लेकर खुलासे होते चले गए। अपनी शिकायत में महिला ने कहा, 2019 में रेवन्ना के बेटे सूरज रेवन्ना की शादी के दौरान काम करने के लिए उसे बुलाया गया था, तभी से वो यहाँ पर काम कर रही थी। उसका आरोप है रेवन्ना उसे कमरे में बुलाते थे, वहां 6 और महिला कर्मचारी होती थी। प्रज्वल रेवन्ना के घर आने पर सभी महिलाएं डरी सहमी रहती थी। घर में काम करने वाले पुरुष कर्मचारियों ने सावधान रहने के लिए कहा था। अब आते हैं राजनीतिक गलियारे में रेवन्ना को लेकर चल रहे बयानों पर। दरअसल रेवन्ना जिस सीट से चुनावी मैदान में है वहां चुनाव हो चुके हैं। चुनाव से पहले बकायदा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उसके लिए वोट अपील करने गए थे। 30 सेकंड का एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जहां पीएम मोदी रेवन्ना के लिए जनसभा करते नजर आ रहे हैं। हासन लोकसभा से एनडीए के सिर्फ प्रज्वल रेवन्ना और मंड्या से मेरे मित्र एचडी कुमार स्वामी आने वाली 26 अप्रैल को इनके लिए आपका हर वोट मोदी को मजबूती देगा, देश का भविष्य तय करेगा। अब जब रेवन्ना के कथित अश्लील वीडियो सामने आए तो विपक्ष ने जमकर पीएम मोदी को घेरा। पूरे मामले पर प्रियंका गांधी, तेजस्वी यादव और तमाम नेताओं ने क्या कहा आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले शाह के इस पूरे मामले पर जवाब को सुनिए जरा। देखिए, श्री रेवन्ना का जो समाचार पत्रों में और चैनलों में चल रहा है वो बिल्कुल आघातजनक है। ऐसा सहन किया ही नहीं जा सकता।
और भारतीय जनता पार्टी का स्टैंड बहुत स्पष्ट है, हम देश की मातृशक्ति के साथ खड़े हैं, देश की नारी शक्ति के साथ खड़े हैं। नरेंद्र मोदी जी का पूरे देश को एक कमिटमेंट है कि कहीं पर भी मातृशक्ति के अपमान को सहन नहीं किया जाना। परंतु कांग्रेस पार्टी जो हम पर आरोप लगाना चाहती है, मैं छोटी सी बात पूछना चाहता हूं, वहां सरकार किसकी है? सरकार कांग्रेस पार्टी की है। फेक वीडियो आपके ध्यान में ही होंगे क्योंकि टाइम पर रिलीज किए गए हैं, और अब तक कार्यवाही कांग्रेस पार्टी ने क्यों नहीं की? शाह ने सीधे सीधे इस मामले पर कांग्रेस को ही कटघरे में खड़ा कर दिया। हालांकि इस मामले पर प्रियंका गांधी ने भाजपा को जमकर घेरा, जेडीएस पर भी निशाना साधा, जबकि तेजस्वी यादव भी चुप्पी तोड़ते हुए नजर आए और पीएम मोदी पर सीधा हमला बोला। मैं उनसे पूछना चाहती हूं कि आज कर्नाटक में एक बहुत बड़ी बात निकली है कि उनके साथ जो मंच पे खड़े थे, जिनके लिए मोदी जी ने वोट मांगा, उन्होंने हजारों महिलाओं के साथ दुष्कर्म किया, हजारों महिलाओं के साथ। मैं पूछना चाहती हूं मोदी जी क्या कहते हैं इसके बारे में, क्या कहते हैं हमारे प्रधानमंत्री इसके बारे में, हमारे गृह मंत्री क्या कहते हैं इसके बारे में। कुछ समय पहले 3 दिनों के लिए मैं अपनी बेटी से मिलने गई, प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी बोलने लगे कि प्रियंका गांधी विदेश में गई है। जहां मैं जाती हूं इनको पता चल जाता है, जहां विपक्ष के नेता जाते हैं इनको पता चल जाता है, लेकिन इस तरह का अपराधी, इस तरह का राक्षस इस देश को छोड़ के चले जाता है और इनको पता नहीं चलता? हम कैसे यकीन कर सकते हैं इस बात पर? सब चीज, हर जानकारी इनके पास जाती है, सब नेताओं पे ये ध्यान रखते हैं कौन कहां जा रहा है, क्या कर रहा है, और इतना बड़ा अपराध करके इनके नाक के सामने कोई देश से भाग गया और ये कुछ नहीं कह रहे हैं? देखिए बहने, इनसे जवाबदेही मांगिए, इनसे जवाबदेही मांगिए, इनसे सवाल उठाइए, इनकी हिम्मत नहीं होनी चाहिए, मोदी जी की हिम्मत नहीं होनी चाहिए कि किसी के मंगलसूत्र के बारे में बात करें जब तक ये अपराधी वापस नहीं आएगा। अभी प्रधानमंत्री जी ने चुप्पी साधी, कुछ नहीं बोला, और जब ये हुआ है, लगभग 2,500 महिलाओं के साथ शोषण का आरोप लगा है, जो इतना बड़ा स्कैंडल हुआ है, इनके कुछ दिन पहले ही प्रधानमंत्री जी प्रचार में गए हुए थे और वो जो है अब फरार पाए जाते हैं, पता चलता कि विदेश चले गए, तो ये दिखाता है कि प्रधानमंत्री जो है इनका विकास का क्या मॉडल है। पूरी तरीके से बीजेपी के लोग जो है इन लोगों को जो है सख्त कार्रवाई करने के बजाय दोषियों को भगाना और बचाने का काम कर रहे हैं। मोदी जी बोलते थे बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, लेकिन मोदी जी क्या हो रहा है, आपके राज में, आपके कार्यकाल में लगातार जो है आपके भाजपा के लोग, आपके अलायंस के लोग इस तरह का घिनौना काम कर रहे हैं और आप लोग जो है चुप्पी साधे, तो यही है पीएम का मॉडल। ओवैसी ने भी पीएम मोदी पर जमकर निशाना साधते हुए कहा, कर्नाटका में इनकी ताईदी पार्टी का एक उम्मीदवार है, उसका नाम शायद क्या है, प्रज्वल रेवन्ना कुछ नाम है उसका, जेडीएस पार्टी का है, उसका नाम देखिए वरना ये लोग बोलेंगे नाम गलत बोल दी, हाँ उसका नाम है प्रज्वल रेवन्ना। अब ये प्रज्वल रेवन्ना ने क्या किया मैं आपको बताता हूँ। प्रज्वल रेवन्ना ने उन्होंने 2,000 वीडियो बनाए। किसके वीडियो बनाए? उनके घर में काम करने वाली औरत का वीडियो, जिसको जिंसी इस्तेसाल बोलते हैं। 2,000 वीडियो घर में काम करने वाली एक 70 साल की बूढ़ी, उसका वीडियो बनाया। उसमें पुलिस में कोई ऑफिसर है उसका वीडियो, कोई टीवी के एंकर है उनका वीडियो, कोई गवर्नमेंट के ट्रांसफर के लिए आए आप उनका वीडियो बना लिए। 2,000 वीडियो उसके ये उम्मीदवार इसने अपने वीडियो बनाए, यानी औरतों से इस तरह से उसने उनकी जिंदगी बर्बाद कर दी इस में। अब आप बताइए उस शख्स के लिए नरेंद्र मोदी जाके वोट मांगे,
नरेंद्र मोदी उस शख्स के लिए जाके वोट मांगा है और हमको बोल रहा है कि मंगलसूत्र निकाल के हमको हम हिंदू भाइयों से मुसलमानों को दिया जाएगा। नरेंद्र मोदी आप भूल गए कि जिस शख्स के लिए आपने वोट पूछ रहे हैं उसने 2000 ऐसे गंदे वीडियो बनाए, 2000 वीडियो बनाए उसने। गरीब बिचारी औरत परेशान है, मजलूम है, तकलीफ में है, तो इस कमीने ने, इस जालिम ने उनका इस्तेसाल किया और मोदी उसकी ताईद में वोट मांगने गए थे। और हद तरफे तमाशा यह है कि वो जब वीडियो निकले रातों रात जर्मनी भाग गया, रातों रात जर्मनी भाग गया। अब नरेंद्र मोदी बोल रहे नारी शक्ति, नारी शक्ति। नरेंद्र मोदी बोल रहे मैं मुस्लिम खवातीन का भाई हूं, मैं नकोरे बाबा थे, तू तेरे जैसा भाई नहीं चाहिए हमारे को। आप जिस पार्टी के उम्मीदवार की ताईद में गए, अच्छा हैरत की बात यह है कि नरेंद्र मोदी को मालूम था कि ये ऐसी हरकत करता है, गंदी हरकत, इसके वीडियोस हैं, उसके बावजूद भी नरेंद्र मोदी ने जाकर उसके लिए वोट मांगा। आप समझ रहे मेरी बात को? आप समझ रहे? देश का वजीर आजम है एक गंदे आदमी के लिए, यह सवाल हिंदू मुस्लिम का नहीं है, वो बेटी हिंदू की भी है, मुसलमान की भी, कमजोर है भाई, आप उसका इस्तेमाल कर रहे हैं और मोदी बोल रहे हैं उसको, उसके लिए वोट मांग रहे हैं। देश के वजीर आजम, आपके पास इंटेलिजेंस है, आपके पास रॉ है, आपके पास हर चीज है, आपको सब मालूम था कि ये शख्स सलील है, गंदा है, इंसान कहलाने के लायक नहीं है, तब भी आप जाकर उसके लिए वोट मांगे। ये वजीर आजम क्या कर रहे हैं बताइए आप? और बोलते नारी शक्ति, नारी शक्ति। अरे काहे की नारी शक्ति? नरेंद्र मोदी बड़ी बड़ी बातें करते हैं, मैंने अपनी महिलाओं के लिए रिजर्वेशन दे दिया। अरे काहे का रिजर्वेशन दिए जब आप ऐसे शख्स के लिए वोट मांग रहे हैं जिसने 2000 वीडियो बनाए औरतों से इस्तेमाल के, एक्सप्लॉयटेशन के। बताओ बीजेपी वालों, बताओ बीजेपी वालों, आप क्या करेंगे इस बारे में? आप क्या करेंगे इस बारे में? अरे चुल्लू भर पानी में आप लोगों को डूब मरना चाहिए। आप कल बोल रहे हैं नहीं हम उसको सस्पेंड कर दिए। सस्पेंड करने का मतलब ये नहीं है, क्या मोदी वजीर आजम रहते हुए उसके लिए वोट कैसे मांगा? इससे बात साबित हो गई कि नरेंद्र मोदी की हुकूमत और पार्टी हमेशा ऐसे लोगों की ताईद करती है, ऐसे गंदे किस्म के लोगों की ताईद करती आ रही है। इनका अलाइज है, इनकी ताईदी पार्टी का उम्मीदवार है। अब कल वो फैसला करेंगे हम उसको निकाल दिए। अरे जर्मनी कैसे भागा भाई उन्हें? अच्छा अब थोड़ी देर के लिए सोच लो आप, अगर ये हरकत मुसलमान करता तो क्या होता? नहीं नहीं नहीं, अगर उन्हें यह करता, अच्छा आप ये टीवी चैनल पर देख रहे हैं आप, ये मैं जो बोल रहा हूं ज्यादा नहीं आ रहा, अगर उसका नाम अब्दुल होता तो टीवी चैनल वाले ऐसा चीखा मारते, ऐसा चीखा मारते, बाबा बाबा बाबा, ऐसा दिखता कि वाकई में कुछ हुआ है, मगर अब सन्नाटा है, टीवी चैनल वाले खामोश बैठे हुए हैं, कुछ बोलने नहीं आ रहा उन लोगों को। अरे टीवी चैनल वालों, 6 बजे 9 बजे बैठकर पुकारने वालों, इतना पुकारते इतना पुकारते, ऐसा समझते कि हम बह रहे हैं। अरे तुम्हारे पुकारने से लगता है कि तुम बह रहे हो। आज एक एफआईआर रजिस्टर हुआ, 2000 खवातीन का इस्तेमाल किया इस शख्स ने और मोदी उसकी ताईद में वोट मांगे। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, देखो क्या हो रहा है इस मुल्क में, देखो क्या हो रहा है। कल तक दलितों की बच्चियों को पीटा जाता था, उनकी इज्जतों से खेला जाता था, फिर आसिफा, फिर बिल्क, पहले बिल्किस बानो आसिफा, अब क्या हो रहा है देखो आप। बीजेपी जो बोलती नहीं 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 हम ऐसी पार्टी नहीं, अरे कहां आप तो ताईद कर रहे हैं उसकी। नरेंद्र मोदी को बोलना पड़ेगा, देश के सामने बयान करना पड़ेगा। अमित शाह आ रहे हैं, अमित शाह को आकर बोलना पड़ेगा इस बारे में, क्या तुम्हारी ये मोहब्बत है भारत की खवातीन से? अगर कोई मुसलमान होता तो अब तक यूएपीए लग जाता, एनआईए आ जाती, और क्या बोलते उस पर, ये लव जिहाद है बोलते ना,
ये लव जिहाद है, ये क्या कर रहा है? ये तो अरे वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहा है, अरे क्या बोलूं उसको। एक अवामी जलसे में खड़ा हुआ हूं, जब मैं पढ़ा और लोग मुझे जो देखकर बताए, मैं बोला यार ये क्या हो रहा है, कोई ऐसा भी करता है क्या? एक मजबूर मजलूम औरत का इस्तेमाल, और वो भी रिकॉर्डिंग कर रहा है, कितना गंदा आदमी होगा। और आप जाकर हमारे देश के वजीर आजम, 56 इंच का सीना इनका। भाइयों बहनों मित्रों, मैंने इस गंदे आदमी के लिए वोट मांगा, बोल दो आप। बता दें कि 33 साल के प्रज्वल रेवन्ना गौड़ा परिवार की तीसरी पीढ़ी के सदस्य हैं। वो कर्नाटक के पूर्व पीडब्ल्यूडी मंत्री एचडी रेवन्ना के बेटे और पूर्व मुख्यमंत्री एचडी कुमारस्वामी के भतीजे हैं। एचडी रेवन्ना पूर्व प्रधानमंत्री और जेडीएस सुप्रीमो एचडी देवेगौड़ा के बेटे हैं। प्रज्वल रेवन्ना ने 2014 में बंगलौर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से मैकेनिकल इंजीनियरिंग में बीटेक की डिग्री हासिल की थी। उसके बाद से वो राजनीति में एक्टिव हो गए। नवंबर 2019 में जब प्रज्वल रेवन्ना 29 साल के थे, उन्हें जेडीएस का राज्य महासचिव नियुक्त किया गया था। कर्नाटक में लोकसभा चुनाव में भाजपा के साथ गठबंधन करने वाले जेडीएस ने एक बार फिर प्रज्वल रेवन्ना को हासन से अपना उम्मीदवार बनाया था। वो कांग्रेस के उम्मीदवार श्रेयस एम पटेल के खिलाफ मैदान में है। 26 अप्रैल को वहां चुनाव के लिए मतदान भी हो चुका है। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही।